नवग्रहों का वर्णन है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, नवग्रह प्रतिकूल हो जाएं परवाह मत करो। क्यों? नवग्रह से ऊपर भी एक ग्रह है। वह क्या? नवग्रह से ऊपर है भगवान का अनुग्रह। भगवान श्री कृष्ण भी यही कह रहे हैं कि कब तक जमुना जी की धारा में बहोगे, कब तक कामना कर्म फल भोग ये धारा निरंतर बहेगी। धारा में बहते जा रहे हो, धारा से लौट आओ। लेकिन धारा से हम लौटे कैसे? बह गए हैं धारा में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धारा को उलट दो, लौट आओगे। धारा में न बहो, राधा राधा कह के मेरे पास आ जाओ। धारा में न बहो, राधा 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 कहकर मेरे पास आ जाओ। मैं निमंत्रण दे रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण जमुना जी में के जल में खड़े हैं और हाथ से इशारा कर रहे हैं, आ जाओ आ जाओ। मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा हूं, मैं तुम्हें अपने हाथों में उठा लूंगा, फिर कोई धारा तुम्हें बहा नहीं सकेगी। अब कुछ दिए तो बहते गए, इधर आए ही नहीं, और कुछ दिए भगवान श्री कृष्ण के पास आ गए। सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति। एक बार कोई प्रपन्न होकर कह दे कि हम आपकी शरण में हैं, बस। अच्छा, शरणागत को बड़ा आनंद है। वैसे भी आप देखो, अगर आप पैदल पैदल चलो तो सड़क के 100 नियम हैं। बाईं तरफ चलो, आगे पीछे देखकर चलो, अरे नीचे भी देखकर चलो, केले का छिलका ना पड़ा हो, तांगा बचाओ, साइकिल बचाओ, मोटरसाइकिल बचाओ, कितना झंझट। इन सब को बचाओ, और तो और पैदल चलने वालों तक को बचाओ। कई बार लोग सिर नीचा करके ही चलते हैं, किसी से भी टक्कर हो जाए। एक आदमी सिर झुकाकर चलता, किसी से भी टकरा जाता, और टकराने के बाद सिर उठाकर कहता बड़े गधे हो। लोग हंसते हैं कि ये कैसा आदमी, खुद ही तो टकराता है और सामने वाले को गधा कहता है। एक दिन वो आदमी सिर झुकाए जा रहा था, संयोग से गधे से ही टक्कर हो गई, तो सिर उठाकर बोला बड़े, और जो देखा बोले अब आप तो आप ही हैं, अब आपसे क्या कह रहे। अरे इतनी समस्या, नीचे देखो तो देखो, ऊपर देखो। कुछ लोग बड़े विचित्र होते हैं। एक आदमी पैदल पैदल जा रहा था, दूसरा आदमी छत पर था, बिना देखे ही पीक चला दी, उस बेचारे के सिर पे गिरी। तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि भाई साहब नीचे देखकर नहीं थूक सकते? तो वो क्या बोला कि तुम ऊपर देखकर क्यों नहीं चलते? उसने कहा कि अच्छा ही है कि हम ऊपर देखकर नहीं चल रहे, सिर का स्थान मुंह ही होता। तो कितने झंझट। आप एक काम करो, इन सब झंझटों से मुक्ति हो जाएगी। केवल एक काम करो, क्या? आप एक तरफ खड़े होकर बस की प्रतीक्षा कर लो। पीछे बस आ रही है, आप तो विश्वास का टिकट लेकर श्रद्धा की सीट पर बैठ जाओ। भगवान की शरणागति रूपी बस में श्रद्धा का टिकट, विश्वास का टिकट लेकर श्रद्धा की सीट पर बैठ जाओ, तो चाहे आगे देखो, चाहे पीछे देखो, चाहे दाएं देखो, चाहे आंख मीच के सो जाओ, चाहे अखबार पढ़ो, और आपकी यात्रा होगी होगी, अवश्य होगी। क्योंकि अब जिम्मेवारी उसकी है जो आगे बैठकर बस चला रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज, अहं त्वया सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शरण में। अच्छा, कितना दूर? देखो, हम लोग रेलगाड़ी में वही करते हैं जो घर में करते हैं। घर में भी सोते हैं, रेलगाड़ी में भी सोते हैं, रिजर्वेशन है तो सोएंगे, भोजन करते हैं, गपशप करते हैं, लेकिन घर में पड़ा रहने वाला कहीं नहीं पहुंचता।
घर में पड़ा रहने वाला कहीं नहीं पहुंचता, लेकिन रेलगाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति कहीं बैठता है कहीं पहुंचता है। इसी तरह हम लोग घरों में भी वही करते हैं जो श्री वृंदावन धाम में कर रहे हैं, लेकिन घर में रहने वाला कहीं नहीं पहुंचता, पर वृंदावन धाम में रहने वाला कहीं का कहीं पहुंच जाता है। जिम्मेवारी भगवान की है। भगवान कहते मेरी शरण में तो आओ, मैं बुला रहा हूं। भगवान कहते मैं खड़ा हूं। हर मंदिर में भगवान खड़े हैं, तैयार खड़े हैं स्वीकार करने के लिए, शरण देने के लिए। तो कुछ दिए भगवान के चरणों के पास आ गए, जो चरणों के पास आए उन्हें भगवान ने उठा लिया अपने कोमल कर कमलों में, और उन दियों को बुझाकर पीतांबर में भर लिया, पोटली बनाई, सारे दिए समेट कर पीतांबर में बांध लिए, और मानो भाव यह कि तुम्हारा वजन आज से हमारे सिर पर, तुम्हारा बोझ आज से हमारे सिर पर। पोटली रख ली, मैया यशोदा ने प्रणाम किया, आंख खोली, कन्हैया प्रणाम कर, श्री कृष्ण ने प्रणाम किया, मैया बोली चलें अब, कन्हैया बोले हाँ मैया चलो, और पोटली संभाली श्री कृष्ण ने। मैया बोली इस पोटली में क्या है? कन्हैया बोले मैया किसी को किसी की पोटली नहीं देखनी चाहिए, किसी को किसी की पोटली नहीं देखनी चाहिए। मैया बोली चोर की पोटली जरूर देखनी चाहिए। और ऐसा कह के मैया ने पोटली छीन ली, गांठ खोली तो दिए बंधे थे, भगवान श्री कृष्ण सिर झुकाए खड़े थे। इनको क्यों बांधा, हमने तो बहा दिए थे। श्री कृष्ण ने कहा कि मैया लोग यही करते हैं, कर्म की धारा में बहाकर जीव को छोड़ देते हैं। ये तो बहते ही जा रहे थे, बहते ही जा रहे थे, तो लेकिन तुमने क्यों बांधे? श्री कृष्ण ने कहा मैया मेरी आदत है कि मैं किसी को बहते हुए नहीं देख सकता, मेरे सामने ही बह रहे थे, तो इनको बहते हुए मैं नहीं देख सका, तो मैं बुलाने लगा आ जाओ आ जाओ। तो सबको क्यों नहीं बांधा? कन्हैया बोले मैया मैं सबको थोड़ा ही बांधता हूं। कहा फिर का जो मेरे चरणों में आ जाते हैं उनको मैं अपने कोमल कर कमलों में उठा के सिर पर बिठा लेता हूं।